हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं, होंडा की क्रेटा है, 2015 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। तो इसका एयर कंडीशन सिस्टम का जो क्वाइल रहती है ना, इवापोरेटर क्वाइल, वो लीकेज हो चुका है। इस वजह से इसका मैं क्वाइल रिप्लेस करने वाला हूं। तो रिप्लेस करने के लिए मेरे को डैशबोर्ड खोलने की ज़रूरत है। डैशबोर्ड खोल के इसका क्वाइल रिप्लेस होगा। तो चलो फिर मैं इसका डैशबोर्ड कैसे कैसे खोला जाता है, क्या क्या खोलना पड़ेगा, वो सब चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। कौन सा पार्ट खोलना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो 2015 का मॉडल है, सर्विस ना होने के वजह से इसका क्वाइल लीक हो चुका है। तो वो सब चीज़ें, क्वाइल कैसे लीक हुआ, कहाँ लीक हुआ, वो सब चीज़ें मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब खोलूंगा तब। तो सबसे पहले मेरे को डैशबोर्ड खोलने के लिए क्या क्या खोलना पड़ रहा है, तो सब वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो पहले कंसोल बॉक्स का सेटअप पूरा खोलना पड़ेगा मेरे को। तो सबसे पहले बैटरी की वायर निकाल देता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो जाने अनजाने में कोई चीज़ अगर कोई पार्ट बताना अगर भूल जाता हो, भूल हो सकता है कोई भी पार्ट बताने के लिए भूल भी जाऊँ, तो क्योंकि गलती सबसे होती है, हो सकता है बताने के लिए भूल भी सकता हूँ। तो जो सब चीज़ें मेरे को सामने दिख रही है, वो सब चीज़ें मैं याद रहता है वो सब चीज़ें बता दूंगा, कोशिश करूंगा सब चीज़ें बताने की, लेकिन गलती से अगर हो सकता है भूल जाऊं। तो चलो फिर मैं सबसे पहले बैटरी की वायर निकाल देता हूं, गाड़ी भी अपनी चालू पोजीशन में है। तो चलो फिर बैटरी की वायर निकाल के आगे मैं आपको दिखाता हूं। तो फाइनली मैं बैटरी की वायर निकाल दिया हूं, देख रहे हैं आप। अब मेरे को कंसोल बॉक्स खोलने के लिए सबसे पहले जो है इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के बाद ये जो देख रहे हैं, इसको माइनस, इसको डॉट से इसको ऐसे लेंगे, ये निकल जाएगा। इसमें दो सॉकेट रहेगी, दो तीन सॉकेट रहेगी, ये देख रहे हैं, एक दो तीन, एक लाइटर की, एक ऑक्स केबल की और एक यूएसबी केबल की, तीन सॉकेट है। तीनों सॉकेट निकाल देना पड़ेगा। तो ये तीनों सॉकेट निकाल के ये देख रहे हैं, दो दस नंबर, एक दो दस नंबर यहाँ रहेगा, उसके बाद ये वाला पहले निकलेगा वो खोलने के बाद। तो इसको निकालता हूँ, फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली इधर के दोनों इसको 10 नंबर जो थे खोल दिया हूँ। अब मेरे को यहाँ का जो ये रहता है फाइबर, इतना छोटा सा, इसको निकाल दिया। निकालने के बाद इसको ऊपर खींचेंगे आप, निकल गया। इसका जो अंदर लॉक रहता है, इसको निकालने के लिए उसको यूँ पकड़ के इसको अपने तरफ खींचेंगे, निकल गया ये। अब ये इजीली निकल जाएगा अपना। हैंड ब्रेक को ऊपर ले ले पूरा जहाँ तक आ रहा है। उसके बाद ये जो गियर बॉक्स का ये जो रहता है, ये जो फाइबर, ये तो घूम के निकलेगा नहीं, तो ये फाइबर को नीचे से स्क्रू दिया रहेगा, दिखा दे रहा हूँ आपको, स्क्रू या लॉक रहेगा, लॉक दिया है, इसको ऊपर साइड खींचेंगे निकल जाएगा। तो चलो इसको मैं खींच के माइनस स्क्रू ड्रावर से यहाँ से साइड में कटा करके इसको खींच के बाहर ले लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली ये देख रहे हैं, ये वाली लॉक थी, किसी किसी में स्क्रू दिया हुआ रहता है, इसकी वजह से पहले इसको खोलने के बाद ही खोलता हूँ, क्योंकि किसी में स्क्रू दिया रहता है, खोलते टाइम निकालने टाइम टूट जाता है। इसको अंदर ऐसे डाल देंगे, डालने के बाद ये फाइबर अपना यहाँ से बाहर आ गया, देख रहे हैं, ये इजीली अपना निकल चुका। अब मेरे को ये वाला निकालना है। तो ये वाले के लिए दो 10 नंबर तो सबसे पहले अंदर देख लीजिए आप, यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद इधर तो नहीं है, एक क्लिप यहाँ है और एक क्लिप इस साइड रहेगा और बाकी पीछे साइड रहेगा। तो ये सब चीज़ें मैं खोलता हूँ, फिर निकालता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली इधर का दोनों 10 नंबर और दोनों साइड, ये साइड का क्लिप और ये साइड का क्लिप खोल दिया। खोलने के बाद पीछे जो लाइटर रहती है, ये वाली लाइटर जो दिया है इधर, इसका सॉकेट रहेगा तुम्हारा, यहाँ से वायर लेकर के ऐसे साइड साइड से वायर लेकर के यहाँ लाया है, ये वाली सॉकेट है। तो ये सॉकेट यहाँ से निकाल देने का, निकल गया अपना, और बाकी ये सब सॉकेट पहले का खुला हुआ था। तो अब ये अपना नीचे निकल जाएगा, देख रहे हैं पूरा ऊपर आ गया। तो चलो फिर मैं इसको अब निकाल देता हूँ, और कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है, निकाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो कंसोल बॉक्स का पूरा सेटअप खुल चुका अपना। अब अपने को निकालने की ज़रूरत क्या है, ये डक्टिंग जो पीछे एयर आती है ना, वो वाली। तो यहाँ 10 नंबर दिया है, ये खोलूँगा। खोलने के बाद गियर बॉक्स को खोलूँगा, गियर बॉक्स के 4-12 नंबर दिया हो रहता है, इसको खोल के मैं गियर बॉक्स को पलटी मार दूँगा। पलटी मार क्यों रहा हूँ, क्योंकि डैशबोर्ड को जो अपन इसमें सीट के ऊपर होल्ड करेंगे ना,
तो ये गियरबॉक्स रहेगा तो अपने को अड़चन करेगा पलटी मारने टाइम, तो इस वजह से इसको अलग ही कर देता हूँ ताकि उसको उधर लेटा देंगे तो ये इजीली अपना डैशबोर्ड निकल जाएगा। तो चलो फिर ये सब चीज़ें मैं खोल के फिर आगे का सेटअप आपको दिखाता हूँ क्या खोलना पड़ेगा नेक्स्ट। ये डक्टिंग खोल दिया और ये चारों 12 नंबर, ये रही 12 नंबर, चारों खोल दिया हूँ। खोल के अब ये इजीली अपना इसको नीचे लिटा देंगे अपन। और ये रही एक 10 नंबर एयरबैग मॉड्यूल का अर्थिंग है, और ये एयरबैग मॉड्यूल की सॉकेट ये निकालना पड़ेगा। ये निकालने के बाद इसको अपन साइड कर देंगे। और इधर 12 नंबर या 10 नंबर, दो 12 नंबर दिया है, ये दोनों 12 नंबर खोल के इधर का खोलने का सब सिस्टम हो जाएगा। अब आगे क्या खोलना पड़ेगा वो दिखाता हूँ ये सब खोल के मैं फिर आपको। तो फाइनली इधर का पूरा सेटअप खोल के नीचे लेटा दिया हूँ। इधर के तरफ जो 12 नंबर थे ये एंगल में, वो भी खोल दिया हूँ। अब मेरे को इस साइड आने की ज़रूरत है, इस साइड क्या खोलना पड़ेगा, ये जो फाइबर देख रहे हैं ये फाइबर खोलना पड़ेगा। ये फाइबर के लिए आपको यहाँ माइनस स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे। ये निकल चुका, अब इसमें आपको एक स्क्रू ये और एक स्क्रू, दो स्क्रू दिखा, और ये 10 नंबर, और ये फ्यूज बॉक्स का जो कवर देता है यहाँ इसके अंदर दो 10 नंबर दिख रहे हैं आपको, ये दोनों खोलना पड़ेगा। ये दोनों खोलने के बाद ये रही एक स्क्रू यहाँ, ये खोलेंगे तो ये पूरा पैनल बाहर आ जाएगा। तो चलो फिर मैं बाहर लेके फिर आगे आपको दिखा देता हूँ ये सब खोल के। तो फाइनली दोनों स्क्रू, ये दोनों 10 नंबर यहाँ का स्क्रू खोल गया, अब इसको आगे साइड खींचेंगे, निकल गया ये। और एक सॉकेट रहती है हेडलाइट एडजस्ट करने का, इसको निकाल देंगे आप। ये भी निकल चुका, ये खोल निकाल इसलिए रहा हूँ ताकि सामने की जो सॉकेट है ना, कौन सी सॉकेट निकालना पड़ेगा आपको, वो सब चीज़ें आपको आसानी से दिखाई दें। तो फ्यूज बॉक्स में से कौन सी सॉकेट निकालना पड़ेगा आपको, वो सब चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बाहर तो आप देख लीजिए कौन सा खोलना पड़ेगा। ये वाली 10 नंबर खोलना पड़ेगा आपको, उसके बाद एक 12 नंबर ये, एक 12 नंबर ये, जो कि एंगल में फिट रहता है। उसके बाद सॉकेट आप देख रहे हैं, एक ये वाली सॉकेट स्टेयरिंग का, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो स्टेयरिंग दिया हुआ है इसमें, उसका ये वाली सॉकेट 12 वोल्ट अप्लाई जो जाता है वो वाला। उसके बाद ये दोनों फ्यूज बॉक्स में से जो सॉकेट लगी है, ये दोनों सॉकेट निकालना पड़ेगा। उसके बाद नीचे का सॉकेट ये खोलना पड़ेगा फाइबर, ये वाला लॉक अब खोल देंगे इसको, ऐसे खींच के ये खुल गया। अब ये फाइबर को निकाल देंगे, निकल चुका। उसके बाद यहाँ जो रही सॉकेट, ये दो सॉकेट निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये वाली तो नहीं निकालनी पड़ेगी आपको, ये क्योंकि इसमें रहेगा, बॉडी के साथ रहेगा, ये डैशबोर्ड में फिटेड नहीं है। डैशबोर्ड में ये दोनों सॉकेट फिटेड है, और ये दोनों सॉकेट और ये वाली सॉकेट, बस इतना ही निकालना पड़ेगा। उसके बाद स्टीयरिंग कॉलम को यहाँ से 12 नंबर खोल के आप इसको उठा करके छोड़ दो इसे स्टीयरिंग लॉक करके। तो चलो ये सब चीज़ें मैं आपको खोलता हूँ, फिर खोल के आगे दिखाता हूँ। तो फाइनली सब खुल चुका है अपना, ये 12 नंबर, चार 12 नंबर रहता है, मैं दो ही दिखाया था, अंदर का नहीं दिखाया था, दो, एक इधर रहता है और एक इधर रहता है। तो ये सब खोल दिया हूँ, ये सिर्फ सपोर्ट के लिए रखा हूँ मैं अभी, क्योंकि चारों तरफ से मेरा डैशबोर्ड खुला नहीं है। तो सॉकेट जो देख रहे हैं ये वाली सॉकेट निकालना पड़ा, जो जो मैं आपको बताया था वही वही सॉकेट निकालना पड़ा, यहाँ का दोनों और दो यहाँ का सॉकेट, ये वाली और ये वाली। इसके बाद स्टीयरिंग यानी यूनिवर्सल ज्वाइन के पास से, क्योंकि ये हाइड्रोलिक वाला रहता है, हाइड्रोलिक बोले तो इस टाइप का दिया जाए कि ऊपर नीचे आसानी से ये एडजस्ट हो रहा है, देख पा रहे हैं। तो इसको 12 नंबर नीचे से खोल के मैं इसको ऊपर ले लिया हूँ, और जब निकाला वहाँ से तो स्टीयरिंग को लॉक कर दिया हूँ ताकि इधर उधर घूमे ना, वही पोजीशन में बैठाने टाइम इजीली बैठ जाएगा। तो इधर का सब कुछ मेरा खुल गया, जो जो खोलने का रहता है। अब मैं आपको उस साइड लेके चलता हूँ, उस साइड क्या क्या खोलना पड़ेगा। और इस साइड का ये फाइबर नहीं खोला हूँ, इसको यूं ही आप खींचेंगे
निकल जाएगा, तो इसमें माइनस स्क्रू ड्राइवर लगा के कटाना पड़ेगा मेरे को, तब जाके निकलेगा ये। ऐसे जल्दी निकलता नहीं है क्योंकि ये वाला लॉक बोल्ट एक वो बाजू से और ये बाजू से दोनों को प्रेस करके ही निकलता है ये। तो चलो ये सब निकालता हूँ, फिर मैं उस साइड क्या खोलना पड़ेगा। सबसे पहले ग्लो बॉक्स निकाल देंगे ताकि काम करने में आपको इजी रहे, कोई अड़चन वगैरह ना दे। तो चलो फिर मैं ग्लो बॉक्स वगैरह निकाल के उस साइड क्या क्या खोलना पड़ रहा है वो सब खोल के दिखाता हूँ। तो फाइनली ड्राइवर साइड का ये फाइबर और ये सॉकेट रहेगी, ये सॉकेट निकाल दिया हूँ। अब अपन आ जाते हैं इस साइड ग्लो बॉक्स खोल दिया हूँ। सबसे पहले ग्लो बॉक्स खोलने का इस साइड का भी फाइबर खोल दिया हूँ और ये जो दो सॉकेट दिख रही है, एक सॉकेट ये सॉकेट निकाल दिया हूँ और सेम इस साइड इसको माइनस स्क्रूड्राइवर से यहाँ कटाएंगे तो ये फाइबर निकल जाएगा। तो इस साइड भी एक यहाँ 10 नंबर दिया है और 12 नंबर एक अंदर, यानी 4 12 नंबर दिया है, एक 10 नंबर। ये वाला फाइबर इसको आप खींचेंगे इसे निकल जाएगा। जैसा कौन सा सॉकेट निकालना पड़ रहा है मैं वो चीज़ें दिखा दे रहा हूँ आपको। ये जो दिख रहे हैं एक ब्लोर की सॉकेट और एक अर्थिंग वाली नहीं होगी, ये वाली सॉकेट बस, और कुछ निकालने की ज़रूरत है नहीं, बस एक ही सॉकेट है। तो ये सब निकालता हूँ फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली अंदर से सब खुल चुका अपना डैशबोर्ड जो खोलने का रहता है, मैं आपको दिखा भी दिया हूँ। और इस साइड दिखाया मैं आपको, 4 12 नंबर रहता है, एक ये वाली सॉकेट, एक नीचे वाली सॉकेट और ब्लोर की सॉकेट मैं बोला था जो कि निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट के साथ ही सेटअप के साथ निकलेगा। तो अंदर का सब खुल गया, अब चलो बाहर लेके जाता हूँ मैं आपको, बाहर क्या क्या खोलना पड़ रहा है मेरे को। तो बाहर कॉल पैनल खोलना पड़ेगा, कॉल पैनल खोलने के बाद ये रही एक्सपेंशन वाल और ये दोनों हीटर का पाइप खोलना पड़ेगा। तो चलो ये सब मैं खोलता हूँ, खोल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। खोलने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर एक कवर रहता है ये फाइबर रबड़ का, ये खोलने के बाद 14 नंबर यहाँ रहता है, 14 नंबर यहाँ। ये खोलने के बाद इसको थोड़ा आप दबाएंगे, चाबी को तो ले लेता हूँ और इसको निकालेंगे, इजीली निकल गया। सेम इस तरफ भी वैसा ही रहेगा, निकल गया। तो चलो कॉल पैनल का पूरा सेटअप खोल के फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये क्लिप रहेगा, ये सब क्लिप खोल के फिर मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ। अंदर 12 नंबर दो रहता है वो खोल के दिखाता हूँ। तो बाहर से जो दिया रहता है ये दोनों 12 नंबर दिया हुआ रहता है और एक्सपेंशन वाल हीटर का पाइप दोनों खोल चुका हूँ। अब अंदर चलो डैशबोर्ड पलटी मार के दिखाता हूँ आपको। अब डैशबोर्ड अपना ईजिली देख रहे हैं हिल रहा है, मूव हो रहा है। तो चलो फिर इसको मैं पलटी मारता हूँ, पलटी मार के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपको दो बोल्ट बताना भूल गया था, इस वजह से मैं वापस से आपको दिखा दे रहा हूँ। एक ये वाली बोल्ट और एक ये वाली 10 नंबर बताने के लिए भूल गया था जो कि अपने को खोलना पड़ेगा। तो चलो ये खोल देता हूँ, याद नहीं था मेरे को, अभी डैशबोर्ड जब हिलाए तो हिल नहीं रहा था प्रॉपर तरीके से। तो ये खोल के डैशबोर्ड पलटी मार के फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली डैशबोर्ड पलटी मार दी है, देख पा रहे हैं आप, ये रही इसका कूलिंग कॉइल, ये ट्रे के अंदर रहता है। तो सबसे पहले अपने को हीटर कॉइल निकालना पड़ेगा फिर कूलिंग कॉइल निकलेगा। तो चलो पहले हीटर कॉइल निकाल देता हूँ फिर कूलिंग कॉइल निकालेंगे। हीटर कॉइल निकालने से पहले ये वाला थोड़ा पाइप ये डक्टिंग अड़चन देगा, इसको भी निकाल देंगे अपन। तो चलो फिर मैं निकालता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हीटर कॉइल निकाल दिया हूँ, हीटर कॉइल देख लीजिए, ये रही हीटर कॉइल इसका। तो अब मेरे को कूलिंग कॉइल खोलना है, तो कूलिंग कॉइल के लिए ये सब जैसे i20 में दिया हुआ रहता है वैसा ही सेम प्रोसेस वैसा ही है और वैसे ही निकलेगा ये। तो ये सब साइड का स्क्रू खोलता हूँ, खोल के ये ऊपर का कवर निकालता हूँ, कूलिंग कॉइल निकाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ मैं। तो फाइनली अपन सब बोल्ट वगैरह खोल के इसका ऊपर का कवर निकाल दिया हूँ ट्रे, अभी ये कूलिंग कॉइल रही ये भी निकाल दिया, देख लीजिए इधर से, देखो कूलिंग कॉइल सड़ने को आ गया है, इस वजह से ये लीक हो चुका है। यानी ऐसा लीक रहता है कि ये कभी कभी दिखता भी नहीं है, भी कभी कभी पानी में डुबा के रखेंगे तो भी नहीं मालूम पड़ता है। तो अब नया वाला कूलिंग कॉइल दिखा देता हूँ, ये रही नया वाला, ये आपको लगभग
25 से 3000 के बीच मिल जाएगा ओरिजिनल कॉइल। ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल ही फिट करना है इसमें आप, क्योंकि डुप्लीकेट लगाएंगे चलता नहीं है ज़्यादा, फिर से लीक हो जाता है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल ओरिजिनल, ऐसे करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप। तो चलो फिर मैं अब इसको फिटिंग करता हूँ गाड़ी में, फिटिंग करके, और हीटर कॉइल भी देख लीजिए गाड़ी में फिटिंग करके, फिर दिखाता हूँ आपको आगे। एक बार मैं आपको कॉइल को घुमा के दिखा देता हूँ। देखिए, ये कंपनी से फिटेड स्क्रू आया है, ये वाला फाइबर देख लीजिए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आप कभी भी नया परचेस करेंगे तो आपको देख के लें, देख लीजिए। तो चलो फिर मैं फाइनली इसको, इसमें बारकोड भी दिया हुआ है, बारकोड जरा क्लियर करके दिखा दे रहा हूँ आपको, देख लीजिए। तो चलो फिर मैं फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली प्रॉपर तरीके से फिट हो गया हीटर कॉइल, कूलिंग कॉइल यानी एवेपोरेटर कॉइल, फिटिंग कर दिया हूँ, और ये रही जूनी वाली। तो चलो फिर डैशबोर्ड इसका मैं डाल देता हूँ, डैशबोर्ड डाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो गाइस, फाइनली डैशबोर्ड डाल दिया मैं। तो चलो फिर मैं इसको फिट करता हूँ, जो जो खोला हूँ वो सब धीरे धीरे फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करता हूँ, बीच बीच में आपको दिखा दूंगा। तो अभी डैशबोर्ड डाल चुका हूँ और ये सब सर्किट वगैरह सब लगा के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली इस साइड का सर्किट वगैरह सब बैठा दिया हूँ, स्टेयरिंग को यूनिवर्सल जॉइंट भी बैठा दिया हूँ, ये सब बैठा दिया हूँ। अब यहाँ का कवर लगाना बाकी है मेरे को, फिर ये सब लगा देता हूँ। इधर का 12 नंबर सब फिट हो गया, तो ये सब लगा करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। और गियर बॉक्स भी बैठ चुका है, अब कंसोल बॉक्स वगैरह बैठा के फिर आगे दिखाऊंगा ये सब। तो चलो फिर बैठाने लग जाते हैं। तो फाइनली कंसोल बॉक्स का भी सेटअप डाल चुका हूँ मैं, ये 10 नंबर भी लगा दिया हूँ। इधर का फ्यूज बॉक्स का कवर वगैरह सब बैठा चुका हूँ, देख रहे हैं। बस ऊपर का ये वाला कंसोल बॉक्स का ऊपर का कवर डाल के उधर फिटिंग करके फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली अपनी पूरी गाड़ी फिट हो चुकी है, देख रहे हैं आप, ये रही जूनी कॉइल और सब प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है। एक भी नट बोल्ट बाकी नहीं रहना चाहिए और एक भी नट बोल्ट बाकी नहीं है। तो चलो फिर मैं बाहर भी आपको दिखा देता हूँ, बाहर भी प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है। कॉल पैनल वगैरह जो भी खोला था सब फिट हो चुका है, लॉ वाला लगा के रखा हूँ। और ये देखिए भीतर का एक्सटेंशन वॉल के पास का जॉइंट लॉ वाला लगा के रखा हूँ, और इसको अपन वैक्यूम में लगा लेते हैं। दस मिनट के लिए वैक्यूम लगा दिया, 10 मिनट बाद फिर अपन मिलते हैं। अपना वैक्यूम कंप्लीट हो चुका है, अब इसको गैस चार्जिंग कर लेते हैं। साढ़े 450 ग्राम गैस मारूंगा इसमें। तो ऑयल मार चुका था मैं पहले, तो चलो फिर गैस चार्जिंग हो चुका। तो कूलिंग टेम्परेचर अंदर गाड़ी चालू करके वगैरह फिर दिखाता हूँ मैं आपको अंदर। तो हेलो दोस्तों, मैं फाइनली गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, गाड़ी चालू पोजीशन में है अभी, एसी चालू रखा हूँ, एसी ऑन है, कूलिंग टेम्परेचर देख लीजिए आप, 7.2, 7.1, 6.9, 6.8, 6.7 ड्रॉप हो रहा है, भी ड्रॉप हो ही रहा है। फाइव पे आ चुका, लगभग फोर तक आता है, तो कूलिंग प्रॉपर हो रहा है, यानी अभी भी ड्रॉप हो रहा है। तो यानी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर हो चुका है, जो इसका इवेपोरेटर रिप्लेस करके मैंने आपको दिखाया, कैसे कैसे मैंने इसका डैशबोर्ड खोला, क्या क्या खोलना पड़ा, कंसोल बॉक्स खोलना पड़ा, क्या क्या खोला, मैं सब चीजें आपको लाइव एक एक करके दिखाया। तो आप हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में अगर नए हो ना,
तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे ना तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो है ना वो वीडियो बनाने में मुझे मजा आएगा और खुशी खुशी से अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा। बस ये सब चीजें जो दिखा रहा हूँ ना, बस आप लोगों के लिए ही दिखा रहा हूँ, आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि चीजें आपको समझ में आए क्या गया हुआ रहता है, ये पार्ट्स कैसा है, कैसा दिखने में आता है, कितने में आता है। मैंने आपको बताया 25 से 3000 के बीच में आ जाएगा ये पार्ट आपको, और ओरिजिनल ये पार्ट लेना, तो ये सब चीजें आप ताकि चीजें आपको समझ में आए। ये भी पार्ट डुप्लीकेट भी मिलता है, ओरिजिनल भी मिलता है, मार्केट में दिखने में सब सेम रहता है पर बाकी इसका जो फंक्शन रहता है ओरिजिनल का कुछ अलग ही रहता है। तो बस यही चीजें हैं कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि चीजें आपको समझ में आए। तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा कि नहीं इतने लोग वीडियो देख रहे हैं मेरा, इतने लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा ना तो अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा, बाकी और कुछ नहीं। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो के लिए बढ़ते हैं।